आई एम बैक विद माई न्यू टॉपिक दैट इज हाउ ब्लूटूथ वर्क्स। आपको पता ही होगा मैंने अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी हुई है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था क्या गोल्ड किसी और एलिमेंट से भी क्रिएट हो सकता है। हमारा वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करा, मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। उसके बाद हमने सेकेंड क्वेश्चन लेके आए थे आपके सामने, और उस क्वेश्चन को करने के बाद ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रही हूँ। आज मेरा थर्ड क्वेश्चन है हाउ ब्लूटूथ वर्क्स। दिस इज ऑन डिमांड, मुझे किसी ने फॉरवर्ड करा था एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर इट्स आंसर विद यू। सो सेंड मी मोर क्वेश्चन लाइक दिस, तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी नॉलेज फिजिक्स के ग्राउंड पे देती रहूँ एंड वी विल लर्न समथिंग न्यू अबाउट इट। सो बैक टू माई पॉइंट, दिस इज हाउ ब्लूटूथ वर्क्स। बड़ी कॉमन सी चीज़ है आजकल, ब्लूटूथ हर किसी के फोन्स में होता है, तो डेफिनेटली इसकी कोई एग्जिस्टेंस भी तो होगी। कैसे काम कर रहा है, इसका नाम ब्लूटूथ क्यों रखा? सो हेयर आर फ्यू ऑब्जेक्टिव विच आई एम गोइंग टू शेयर हेयर। सबसे पहले वाई इज इट कॉल्ड सो, ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ रखा क्यों, मतलब कुछ और भी तो नेम रख सकते थे, वाई ब्लूटूथ? सेकेंड क्वेश्चन, अगर ब्लूटूथ है डेफिनेटली हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है कि हमेशा एक्सचेंज होती है हमारी रेडिएशंस, का मतलब कौन सी रेडिएशंस, कौन सी वेव्स एक्सचेंज होती हैं जब हम ब्लूटूथ की बात पे बात करते हैं। मैकेनिक्स ऑफ ब्लूटूथ, अगर रेडियो वेव, जब कोई भी वेव्स एक्सचेंज हो रही हैं तो वो कैसे हो, कैसे रहा है पैटर्न एक्सचेंज होने का? अगर कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एडवांटेजेस क्या हैं? एक हम बहुत कॉमन वर्ड किसी ने सुना होगा, पिकोनेट एंड स्कैटरनेट हम बात करते हैं। ये बेसिकली ये दोनों टर्म्स हैं क्या, पिकोनेट एंड स्कैटरनेट क्या यूज़ करते हैं? इंटरनेट इज़ वेरी कॉमन टर्म, वो तो हम सबको बच्चे को पता है, बट ये नई टर्म्स आज हम पढ़ेंगे पिकोनेट एंड स्कैटरनेट के बारे में। तो डेफिनेटली हमें पता है जब हम किसी चीज़ के बारे में काम करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में न्यू इन्वेंशंस भी करते हैं। तो उसी पर डिपेंड है लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्लूटूथ। और अगर ब्लूटूथ के लेटेस्ट वर्जन, तो हम साथ में ये भी तो कहेंगे कि ब्लूटूथ के नेक्स्ट भी तो कुछ होगा। हमें पता है कि हर दिन नए नए काम हो रहे हैं चीज़ों के ऊपर, सो डेफिनेटली हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं। तो डेफिनेटली कॉन्स, प्रीकॉन्स, साथ में हम कहते हैं मैरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, सब कुछ साथ साथ चलता है, मैरिट्स एंड डीमैरिट्स। सो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर मैं उसके एडवांटेजेस मैंशन कर रही हूँ तो हमने वो भी डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं ब्लूटूथ सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया कब, दैट इज 1998 मई 20 में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। और उसी के साथ इसके बारे में कहा गया, उसमें किसी ने पूछा कि बेसिकली ब्लूटूथ के बारे में किसने बताया था, एक स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्पेशल ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जो मई 20 में 1998 में एग्जिस्टेंस में आई, उसको क्रिएट करा गया। सो इसको ब्लूटूथ बोला क्यों गया? एक किंग हैरोल्ड थे, उनका एक डेड टूथ था जो ग्रे कलर में और ब्लू कलर में टर्न कर गया था, वहाँ से उसने इनका नाम रख दिया ब्लूटूथ। मतलब इन्होंने ही इन्वेंशन करी थी इसके बारे में। सो इन्होंने का एक टूथ टूट गया था, वो काम करना बंद हो गया था, वो डेड हो गया था और उसका कलर ब्लू में टर्न हो गया था, और वहाँ से उसका उनका मीन्स किंग हैरोल्ड का निक नेम पड़ गया था ब्लूटूथ। और इन्होंने इस डिवाइस को इन्वेंट करा था, इसीलिए इस डिवाइस का नाम पड़ गया ब्लूटूथ। सो ब्लूटूथ का भी बेसिकली काम होता क्या है, दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का। और इन्होंने भी क्या करा था, इन्होंने अपनी लाइफ में दो डिफरेंट नेशंस को कंबाइन और कनेक्ट करने का काम करा। सो अल्टीमेटली टू लिंक्स कनेक्टेड टू ईच अदर, सो ब्लूटूथ का काम भी वही था, इसीलिए ब्लूटूथ को नाम इनका ये नाम रखा गया। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि हर चीज़ मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ बीइंग अ साइंस टीचर, कि अगर कोई चीज़ का नाम ये रखा गया, क्योंकि साइंस का अगर सिंपल मीनिंग आप देखो, जो फिजिक्स का मतलब, इसका मतलब होता है टू नो, चीज़ों के बारे में जानो। हर चीज़ नेचर में जितनी चीज़ है उसके पीछे क्वेश्चन हमेशा होता है वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। सो सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन मेरे मन में भी स्ट्राइक करा, वाई ब्लूटूथ, और कोई नाम क्यों नहीं? सो फाइनली हियर इट इज, आंसर इसका है किंग हैरोल्ड का निक नेम था ब्लूटूथ, और उनका अपना एक ब्रेकडाउन हो गया था और वहीं से उसका रंग जो था वो ब्लू कलर में टर्न हो गया था, उनका निक नेम ब्लूटूथ था, उन्होंने इस डिवाइस को इन्वेंट करा, उनका खुद का काम था दो डिफरेंट नेशंस को जोड़ने का। सो उन्होंने सिमिलरली फोन्स में भी ऐसे करके देखा, अगर दो डिफरेंट फोन्स पड़े हुए ने कनेक्ट कर दिया जाए, सो वहाँ से ये ब्लूटूथ एग्जिस्टेंस में आया। एंड थैंक्स टू किंग हैरोल्ड, क्योंकि हमें बहुत बार ब्लूटूथ की इतनी नीड होती है जब हमारे पास डाटा नहीं होता। नंबर टू, विच वेव्स एक्सचेंज इन ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कभी भी ना इतना हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है
कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है. ब्लूटूथ इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर अस. बेसिकली इसमें लो एनर्जी रेडियो वेव्स एक्सचेंज होती हैं. सो लो एनर्जी रेडियो वेव्स आर नॉट, वैसे मैं हमेशा से एक बात कहती आई हूँ, मैंने वेव्स के ऊपर बहुत सारी अपनी वीडियोज़ भी रिलीज़ करी हैं, कि हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हमेशा कोई भी रेडिएशन हो, चाहे वो लोअर अमाउंट में है चाहे वो हायर अमाउंट में, हमें हमेशा इफेक्ट करेंगी. बट अगर मैं रेडियो वेव्स के साथ एक वर्ड लगा रही हूँ ना, लो रेंज, इसका मतलब बहुत कम वेव्स हैं जो ब्लूटूथ के टाइम पे रिलीज होती हैं, विच इज़ नॉट वेरी मच. मैम आप कह सकते हो 0.001% हमें हार्म करती हैं, एंड दैट इज़ नॉट कंसीडरेबल और काउंटेबल. थर्ड वन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्लूटूथ. होता कैसे है, हो क्या रहा है, जनरली ब्लूटूथ करता क्या है, हमारे फोन्स में से सिग्नल जाता है, दूसरा फोन उसे कैप्चर करता है, उस सिग्नल को फाइनली टू फोन्स कनेक्ट हो जाते हैं. हमेशा याद रखना टोटली ब्लूटूथ में हो क्या रहा है, 79 फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट होती हैं एक टाइम पे. 79 फ्रीक्वेंसीज का एक स्टेशन क्रिएट होता है, और उस 79 फ्रीक्वेंसीज में जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज़. प्लीज दिस इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कीप इन माइंड. सो ऑब्वियसली बात है, जब इतनी डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपस में कनेक्ट होती हैं, उसमें से कोई दो फ्रीक्वेंसीज उठा लेते हैं, एक हमारा फोन जो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, एक दूसरा फोन जो रिसीवर की तरह एक्ट करता है, और हमें उससे क्या हो जाता है, बेसिकली डाटा एक्सचेंज हो जाता है. सो जनरली ये भी बात कही जाती है, हम एक टाइम पे बहुत सारे ब्लूटूथ के साथ अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं. तो आपने कभी नोटिस करा कि अगर एक टाइम पे दो फोन कनेक्ट हुए हैं उसके साथ कोई तीसरा, तो जिस जिस का डाटा जिस जिस फोन में जाना चाहिए कभी एक्सचेंज नहीं होगा. मान लीजिए ए ने अपना डाटा बी को भेजना था, तो वो सी में नहीं जाएगा, वो बी में ही जाएगा, चाहे एक टाइम पे वो तीनों कनेक्टेड है. दिस इज द बेस्ट पार्ट. क्यों? क्योंकि हर फोन अपनी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी चूज करेगा. हमेशा याद रखिएगा, जितने भी ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हमारा टीवी हो गया, हमारे फोन्स हो गए, ये सब चीज़ें हमारी फ्रीक्वेंसीज और वेव्स के अकॉर्डिंगली चल रही हैं, और हर वेव की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसकी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हैं. दीज आर द 79 फ्रीक्वेंसीज पे ये काम करता है, जिसकी हर फोन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. उसमें से स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिस पे ये परफेक्टली काम करेगा, दिस इज 2.45 गीगाहर्ट्ज़. सो बेसिकली इससे इसके एडवांटेजेस भी हमें क्लियर हो जाती हैं. क्यों, इसके एडवांटेजेस क्या है, बड़ी ईजीली हम ब्लूटूथ को लोकेट कर पाते हैं. मान लीजिए मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ अगर ऑन है, तो मैं किसी दूसरे के ब्लूटूथ को डिटेक्ट बड़ी ईजीली कर सकती हूँ. एंड कैन यू बिलीव, एक टाइम पे हम 8 फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं. हाउ वंडरफुल इट इज़, मतलब मुझे कितनी ईज हो जाए. एक ग्रुप बैठा हुआ है, हमने अपनी फोटोज एक्सचेंज करनी है, तो 8 लोग एक टाइम पे अपनी फोटोज एक्सचेंज कर सकते हैं. जब फोटोज छोड़िए, कोई भी डाटा हो सकता है, अर्जेंट डाटा जो हमें एक्सचेंज करना है, वी कैन डू विद इट्स हेल्प. सो वन ऑफ द एडवांटेज तो यही होगी जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका मैकेनिज्म का वो पॉइंट भी कवर हो गया कि 79 फ्रीक्वेंसीज पे ये काम करता है. इसका मतलब एक फोन का डाटा जो दूसरे में जा रहा है, अगर तीसरे को उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि हर डिवाइस की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वैल्यू है. सो इसी के साथ एक और बात है, आपके फ़ोन में पावर कंजप्शन बिल्कुल नहीं करता, मीन्स नो पावर कंजप्शन एट ऑल, नो डाटा कंजप्शन एट ऑल. बड़ी बार लोग पूछते हैं कि जब भी हम ब्लूटूथ ऑन करते हैं क्या मोबाइल डाटा की ज़रूरत होती है? नॉट एट ऑल. अगर आपके फ़ोन पे मोबाइल डाटा नहीं भी है उस टाइम पे जहाँ आपने ऑफ कर रखा है, जहाँ लो मोबाइल डाटा है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है. हाँ, और रेदर आपको ये चीज़ भी पता होगी, ना हमें कोई पावर की ज़रूरत पड़ती है. सो बहुत अच्छी एडवांटेज है ये भी. एक टर्म इसी के साथ हम पढ़ते हैं, पिकोनेट एंड स्कैटरनेट. अभी मैंने आपको बताया हम एक समय पे एक टाइम पे 8 फोन्स कनेक्ट कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करते. और ऑब्वियसली बात है, जब एक टाइम पे सिर्फ मैं दो फोन्स की बात करूँ, अगर वो कनेक्टेड अपना डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर एक्ट करेगा, और उस कंप्यूटर को हम क्या बोल देते हैं उस टाइम पे, दिस इज कॉल्ड द पिकोनेट. द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन, एक अडॉक मिनी कंप्यूटर की तरह वो एक्ट करता है, तो उसको हम बोलेंगे पिकोनेट. और मान लीजिए उस टाइम पे अगर 8, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 फोन्स को कनेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जब 8 डिवाइसेस को कनेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है. सो जब 8 डिवाइसेस एक जगह पे कनेक्ट होंगे, तो वो जो मिनिएचर क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर नेट. सो आप ये भी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, मान लीजिए कि एक टाइम पे 8 लोगों ने अपना शेयर करना है डाटा, वो बैठ गए, वो कनेक्ट हो रहा है. मान लीजिए कोई इजीली अंदर एंटर भी कर रहा है, एग्जिट भी कर रहा है, पर जो दो लोगों में एक्सचेंज हो रही है इन्फॉर्मेशन, वो कभी भी इफेक्ट नहीं होगी. मीन्स पिकोनेट कभी भी इफेक्ट नहीं होगा अगर पिकोनेट स्कैटर नेट में कन्वर्ट.
कन्वर्ट कर रहा है। और बेसिकली इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या हुआ, अगर दो फोन्स आपस में एक्सचेंज करें आप डाटा, वो एक अडॉक मिनी क्रिएचर मिनी कंप्यूटर की तरह एक्ट करेगा, तो उसे हम पिकोनेट बोलेंगे। मान लीजिए दो की जगह फिर तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः, सात, आठ, आठ उसकी लिमिट है, सो दैट वुड बी नेम्ड एज ए स्कैटर नेट। उसके बाद आता है लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्लूटूथ, दैट इज 4.0 एंड 4.1। और इसका एडवांटेज क्या है, जब भी मैंने किसी चीज़ के साथ काम करना हो हम सबसे पहले ये भी चीज़ तो पूछते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म पे काम कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, इसके एडवांस्ड वर्जन में हमें क्या मिलेगा, लो कंजप्शन। कभी ये देखा मेरे फ़ोन में ऐसा बहुत बार होता है, मैंने ब्लूटूथ ऑन करा मैं याद भूल गई तो ऑब्वियस उसका पार जो है डे बाई डे फॉल करेगा। सो पार जो उसकी फॉल करती जाती है वो हम सेव कर सकते हैं विद अ न्यू वर्जन ऑफ ब्लूटूथ। इसी के साथ आता है कि अगर ब्लूटूथ है एडवांटेजेस न्यू वर्जन पे काम हो रहा है, क्या ब्लूटूथ के बाद भी हमारे पास कोई ऑप्शन है, येस वी हैव। अभी हमारे 2020 में ही रिलीज हो रही है लो एनर्जी ब्लूटूथ। लो एनर्जी ब्लूटूथ में क्या होगा, हम बहुत कम एनर्जीज अपने फ़ोन के यूज़ करके बहुत क्लैरिटी की ऑडियोज एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में एक्सचेंज कर सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ ना, कि हमें कोई भी चीज़ यूज़ करनी है हमें ज़्यादा उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करने पड़े, हमारी फ़ोन की जो बैटरी है वो सेव्ड रह रही है। सो दिस इज़ आफ्टर ब्लूटूथ हम अगर कुछ आ रहा है हमारे पास, दिस इज़ लो एनर्जी ब्लूटूथ। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हम बहुत कम एनर्जी यूज़ करके अपने फ़ोन्स में से किसी दूसरे फ़ोन में ऑडियोज ईजिली और लेसर टाइम में लेसर पावर में एक्सचेंज कर सकते हैं। सो उसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ होगी, ऑब्वियसली बात है, मैरिड्स में तो डीमैरिड्स होंगी, एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। सो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, द सेकेंड ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमने अभी पढ़ ली हैं, जैसे सबसे पहले हमने अभी कहा था स्लो डाटा का स्पीड है, ऑब्वियसली बात है अगर हम शिफ्ट करें एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में तो डाटा थोड़ा सा कम हो जाता है। नंबर टू, डाटा की सिक्योरिटी कम है। अगर आप मेरे से, कई लोग ये भी पूछते हैं कि ब्लूटूथ बेटर है कि वाईफाई कनेक्टेड बेटर है, मैं एक चीज़ बता दूँ, जब भी हम फिजिकली दो फोन्स को कनेक्ट करते हैं ना वो थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, अच्छा है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोन शॉर्ट रेंज कनेक्शन है। शॉर्ट रेंज कनेक्शन का एक डिसएडवांटेजेस ये होती हैं, जब भी वो दो चीज़ें फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हो सकता है वायरसेस भी शिफ्ट हो जाते हैं, और भी बहुत सारी आप कह सकते हैं कि अगर जहाँ भी हमारा फ़ोन नहीं कनेक्ट होना चाहिए वहाँ भी हो सकता है, सो इट क्रिएट्स अ ट्रबल। उस केस में वाईफाई जो है वो ज़्यादा सिक्योरिंग है एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ। हाँ, बट नॉर्मली अगर हम अपनी डेली लाइफ में बोले तो ब्लूटूथ इज़ नॉट हार्मफुल, नॉट एट ऑल, इसकी कोई इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती एंड इट वर्क्स वेरी वेल। इसी के साथ इसकी थर्ड प्रॉब्लम आती है शॉर्टन बैटरी लाइफ, मैंने अभी आपको बताया अगर मेरे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रह जाता है थोड़ी देर के लिए तो मेरी फ़ोन की बैटरी फॉल होती जाती है जब तक मैं उसको बंद ना कर दूँ। सो दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस, बट हाँ टाइम के साथ साथ हमारे पास न्यू वर्जन्स आ रहे हैं, हम इनको इम्प्रूव करते जाएंगे तो डेफिनेटली इट वर्क्स वेरी वेल। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ब्लूटूथ ओवरऑल इट्स वेरी गुड, बस इसके मेन डिसएडवांटेज ये हैं, ये शॉर्ट रेंज होने के कारण फिजिकली हम कनेक्ट करते हैं दो फोन्स को, जो कि जनरली हमारे फ़ोन का डाटा जहाँ नहीं जाना चाहिए वो जा सकता है। और नॉर्मली आपने कभी सुना होगा जो स्पाइज होते हैं, जो चीज़ जासूसी होती हैं, वो ब्लूटूथ में से ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पाई के, जो हमारी हर इंफॉर्मेशन लीक होने के, सॉरी इससे कंपैरेटिवली वाईफाई के, इसलिए लोग वाईफाई ज़्यादा रेफर करते हैं। बट फिर भी मैं ओवरऑल अगर आपको एक फीडबैक देना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ ब्लूटूथ वेरी गुड वर्क्स, अगर हमें नॉर्मली अपने ही एक फ्रेंड सर्कल में और अपने ही एक सर्कल में काम करना हो, क्योंकि इसके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके कारण ये सिक्योर काफ़ी हद तक हमारे लिए काम भी कर सकता है। आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा हो, कुछ नई टर्म्स आपने सीखी हो। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्दी आपके सामने आऊँगी, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।